गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पहले ही टॉपिक को जो हमने कल पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के अंदर हमने पहला इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या डिस्कस करने वाले हैं हम कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन, वो दोनों मिला के बना रहे हैं क्या, वाटर। ठीक है, अगर आपके पास हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, वो मिला क्या बनाते हैं आपका, पानी बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, वर्ड इक्वेशन। यानी कि किसी भी इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ड में, तो दैट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। अब पहले हम इक्वेशन के बारे में भी पता कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि अभी हमने इसको लिखा तो लिखने में बड़ा ईजी रहा है। जस्ट मोमेंट, ओके। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो ये तो हमारा वर्ड इक्वेशन हो गया। अगर हमने बोला कि हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को ले रहे हैं, उसके साथ हम पानी को बना रहे हैं, इससे पहले हम इस इक्वेशन के बारे में समझते हैं कि इसमें ये वाला पार्ट जो होता है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या होती है इसको, रिएक्टेंट। और इसको जोड़ती है एक लाइन जिसको हम बोलते हैं, ये है इसका एरो। ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका प्रोडक्ट। क्या यहाँ पर आपका प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट होगा या रिएक्टेंट्स होंगे, वो आपस में कंबाइन होंगे, वो प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। और ये तरीका हो गया कि यहाँ पर LHF में हमेशा क्या लिखा जाएगा, रिएक्टेंट लिखा जाएगा, RHF में हमेशा प्रोडक्ट लिखा जाएगा। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो एरो हेड होगा, वो ये बताएगा कि इस पार्ट से एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई। यानी कि हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को फॉर्म किया, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ों को आपस में मिलाया। जैसे कि आपने क्या किया, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपने क्या, जैसे आपने क्या मिल्क लिया, मिल्क में आपने कुछ अमाउंट में कुछ सिट्रिक एसिड डाल दी, नींबू की कुछ बूंदें डाल दी। जब आप नींबू की कुछ बूंदें डालोगे तो क्या देखोगे आप, कुछ टाइम के बाद में आपका क्या बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा। सो दैट इज मिल्क प्लस सिट्रिक एसिड, तो क्या बना लेगा वो, कर्ड। ठीक है, यानी कि दूध से दही का बनना जो है, वो भी एक इस तरह की एक रिएक्शन होगी जिसके अंदर हमें दूध को मिलाया के साथ में एक एसिड के साथ में, और वो हमारा क्या बन गया, कर्ड बन गया। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, और इसको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन, के हमने इक्वेशन को इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। लेकिन हम अगर इसको और अच्छे तरीके से दिखाना चाहें, हमारा नेक्स्ट इसके अंदर एक और टॉपिक है, इसी के अंदर ही इसका अगला पार्ट है, कि अगर हम ध्यान से देखें एक चीज को, कि मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी रिलीवेंट नहीं लग रही है, इन्फॉर्मेशन मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर हमने केमिकल इक्वेशन को लिखा, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बन गया, वाटर। तो ये इंफॉर्मेशन जो है मुझे अभी भी थोड़ी सी लेंदी लग रही है। अगर मेरे पास कोई और मेथड हो जिससे मैं इसको और प्रिसाइजली बहुत छोटा करके लिख सकूँ समझने के लिए, तो मेरे लिए और बेटर होगा। यानी कि अगर मैं सिम्बॉलिकली, अगर मैं सिंबल्स का इस्तेमाल कर लूँ, किसका इस्तेमाल कर लूँ, मैं सिंबल्स का इस्तेमाल कर लूँ, तो मैंने इसके लिए लिख दिया यहाँ पे H2 प्लस O2, और मेरा क्या बन गया, 2H2। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे, H2 प्लस O2 क्या बन गया आपका, 2H2। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल
इक्वेशन, यानी जो ऊपर वाला हमने पढ़ा था वो क्या था, वर्ड प्रॉब्लम थी, वर्ड इक्वेशन थी, ये हो गया आपकी स्केलेटल, स्केलेटन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमने इनके सिंबल्स का इस्तेमाल कर लिया इनको दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो हमने लिया था मैग्नीशियम, और हम उस एग्जांपल को भी ले रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, याद हमने एक्टिविटी 1.1 किया था, एक्टिविटी जो हमने कल की थी पहले वाली एक्टिविटी, उससे सबसे पहले वाला क्या था कि अगर मैग्नीशियम के रिबन को हम जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि Mg प्लस O2, तो क्या बन गया, MgO। तो यहाँ पर मैं टू करता हूँ, ये आपका हो गया राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। पहला वाला टॉपिक हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पे हम उनके उनको रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन के थ्रू, तो वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। उसके में हम दो पार्ट हो गए हमारे पास में, या तो हम उसको लेते हैं वर्ड में कि हमने हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया और वाटर फॉर्म कर लिया, बट इन्फॉर्मेशन इतनी अप्रोप्रिएट, इतनी सिग्निफिकेंट सी नहीं लग रही है। तो हमने क्या किया, उसको सिंबल्स का इस्तेमाल कर लिया कि हमने हाइड्रोजन का सिंबल क्या, H होता है, तो H2 ले लिया क्योंकि गैस होगी, हमने ऑक्सीजन ले ली तो H2 हो गई, उससे क्या बन गया आपका 2H2O बन गया, यानी वाटर फॉर्म हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बस में आ गई, चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बहुत ही इजी है और आपके एग्जाम में आता भी है। तो अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा, 9th क्लास में एक टॉपिक था, यानी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक टर्म था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर से सुन लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जितना रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनका मास हमेशा सेम होगा, कभी बदलेगा नहीं, यानी कि जितना हमने रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो कन्वर्जन होगा उसमें इसका टोटल मास और इसका टोटल मास वो हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी कि कभी बदलेगा नहीं, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसलिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपने उसको बैलेंस नहीं किया दैट मीन्स वो इक्वेशन अनस्टेबल होगी, यानी कि वो इक्वेशन बहुत जल्दी ही या तो ख़त्म हो जाएगी या वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। पास में आ गई, तो हम बैलेंसिंग क्यों कर रहे हैं इक्वेशन, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से अगर हमने यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट लिया और उतना प्रोडक्ट हमें नहीं मिला, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे वो इक्वेशन अनस्टेबल होगी, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर जैसे पहला है आपका, अगर हम लेते हैं H2 प्लस O2 तो क्या बनता है आपका, H2O बन गया। चलिए अब हम बैलेंस करने का तरीका सीख रहे हैं, जिसका एक मेथड है, बहुत सिंपल मेथड। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। उस टेबल में एक तरफ हम लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट क्या क्या है, इसमें दो एलिमेंट है, एक तो H है और एक O है। अब रिएक्टेंट की साइड में H के नंबर कितने हैं, सिर्फ 2, O के रिएक्टेंट नंबर कितने हैं, 2, इधर H के कितने हैं, 2, और O के कितने हैं, सिर्फ 1। तो अगर हमने इस चीज़ को ध्यान से देखें तो इसमें H के तो बैलेंस हैं बट O के बैलेंस नहीं हैं, दैट मीन्स हमें
जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो अंदर का काम है ये आपको पेंसिल से करना है। कैसे करना है? पेंसिल से। क्यों करना है पेंसिल से? ताकि आप इसको, आपको बहुत सारी टेबल ना बनानी पड़े, आप एक ही टेबल में इसको क्विकली सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम और लॉन्गर पेजेस। आपको एक पेज, दो पेज, तीन पेज इसमें भरने पड़ सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे देखा है एच के यहाँ पे दो हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन में एच टू ओ में टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे मल्टीप्लाई कर दूँ टू से, यानी प्रोडक्ट साइड मेरे पास कितना हो गया अभी, ये फोर हो गए, टू से मल्टीप्लाई होगी और ओ कितना हो गया यहाँ पे टू, यानी कि ओ अब बैलेंस हो गया। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे हो गई, अब एच बिगड़ गया क्योंकि एच यहाँ पे हो गए फोर और यहाँ पे इसके कितने हैं टू, यानी कि अब मुझे इस वाले इस पर काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ टू से तो ये आ गया आपका, तो ये बन गया आपका फोर। एक बार फिर से देख लो स्टार्टिंग से, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे होगे, तो जब आप पहली बार करते हो किसी भी चीज़ को तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगता है कि ये अचानक से क्या क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारी इक्वेशन थी ये वाली कि एच टू प्लस ओ टू इक्वल टू एच टू ओ। हमने इनको बना के देखा तो यहाँ पे एच के टू थे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, इधर पे एच इसमें क्या थे इसके टू थे, तो एच तो बैलेंस था, लेकिन ओ के यहाँ पे कितने थे टू थे और ओ का यहाँ पे कितना सिर्फ एक ही है, यानी कि बैलेंस नहीं था। इसका मतलब इसको बैलेंस करना पड़ता। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपना एक एक मेथड अपनाया जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, दिस मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड का नाम हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है, सिर्फ हम ट्राई करेंगे, ट्राई करने पर अगर वो बैलेंस हो जाएगा इसको हम बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, क्या बोलेंगे इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो हमने देखा वो बैलेंस नहीं था, तो हमने ओ में टू से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमने इस वाले पार्ट में टू से मल्टीप्लाई किया। जब टू से मल्टीप्लाई किया तो एच के हो गए फोर, फोर हो गए और ओ के रह गए यहाँ पे टू, तो टू आ गए। इससे गड़बड़ क्या होगी, इससे गड़बड़ ये होगी कि इस वाले पार्ट के फोर हो गए जबकि यहाँ पे सिर्फ दो थे, तो हमने यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, जो हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी बैलेंस करने के बाद में, वो आ जाएगी टू एच टू प्लस ओ टू इजिकल टू टू एच टू। दिस इज द फाइनल बैलेंस इक्वेशन। और इसमें हमें इसकी फिजिकल स्टेट्स को भी दिखाना है, किसको दिखाना है, फिजिकल स्टेट्स को, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या एक स्टेट और भी आती है, इसको हम बोलते हैं एक्वस स्टेट। तो क्योंकि एच टू हाइड्रोजन गैस है तो हम यहाँ पर लिख देंगे जी, ओ टू भी क्या है जी, और वाटर क्या होगा लिक्विड, तो हमने इसे दिखा दिया टू एच टू प्लस ओ टू इजिकल टू टू एच टू, ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंसिंग वाला पार्ट। एक एग्जांपल हम और लेते हैं क्विकली, ठीक है, क्योंकि हमने टाइम ऑलरेडी हमारा बहुत हो चुका है, जिसको लिखना हो स्क्रीनशॉट लेना उसका तो आपको समझ आ जाएगा। एक इक्वेशन है आपकी एफ ई प्लस एच टू ओ, तो बनता है एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू, ठीक। तो अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम एक टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये टेबल यहाँ लिखेंगे हम एलिमेंट, यहाँ क्या लिखेंगे हम यहाँ पे रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या, यहाँ पे एफ ई है, एच है और ओ है, यहाँ पे एफ ई कितना वन है, एच कितना है टू है, ओ कितना है वन है, ठीक है। यहाँ पे एफ ई कितना है थ्री है, एच कितना है टू है और ओ कितना है फोर, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करनी है। अगर ओ का यहाँ पे वन है, ओ का यहाँ पे फोर है, तो मैंने एक काम करके देखा, मैंने पहले ही इसमें फोर से मल्टीप्लाई कर दी, फोर से मल्टीप्लाई की, जब फोर से मल्टीप्लाई होगी तो एच के कितने हो गए एट, एच के कितने हो गए एट, ठीक है। अब एच के हो गए एट, तो मैंने यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई कर दिया कि एच की मुझे यहाँ पे भी एट करनी है, ठीक है। तो यानी ओ बैलेंस हो गया, एच बैलेंस हो गया, ठीक है। अभी क्या रह गया हमारे पास में एफ ई,
एफ बी का यहाँ पे एक है और यहाँ पे तीन है, तो मैं यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो थ्री एफ बी आ गया। एक बार फिर देख लो, हमें थोड़ा सा जल्दी से कर दे क्योंकि हमारे पास इस वीडियो में बहुत जल्दी मतलब काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी वरना। तो हमारे पास कुछ ऐसे लिखा था एफ बी प्लस एच टू और एफ बी थ्री ओ फोर प्लस एच टू, तो हमें दिख रहा था कि ये वाला पार्ट जो है वो बैलेंस नहीं था, ओ के यहाँ पे सिर्फ एक था यहाँ पे चार थे, तो हमने फोर से मल्टीप्लाई कर दी एच टू ओ में, जो एच टू में चार से मल्टीप्लाई की तो ये बन गए एट। अब एच की एट हो गए तो हमने कर दिया एट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एट आ गए बैलेंस हो गया, यहाँ पे इसके एट आ गए बैलेंस हो गया, इसके बैलेंस हो इसके बैलेंस हो गए, और फिर हमने यहाँ पे इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया एफ ई में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना है हमारी जो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी थ्री एफ ई प्लस फोर एच टू इजिकल टू एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो ये एफ ई वाला पार्ट जो ये होता है आपका मेटल है, तो मेटल का वो सॉलिड होगा, ठीक है। एच टू आपका लिक्विड होगा, और एफ ई थ्रू वाला पार्ट जो आ जाएगा ये कैसा आ जाएगा आपका सॉलिड आ जाएगा, और एच टू क्या बनेगी आपकी गैस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन गया आपका एफ ई थ्री एफ ई प्लस फोर एच टू इजिकल टू एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू, ये आपकी साथ के साथ फिजिकल कंडीशन भी हमने यहाँ पे लिखा दिए हैं कि ये सॉलिड है लिक्विड है सॉलिड है गैस है, इस तरीके से, ठीक है। बस मारिए, और अगर हम इसको मान लें कि भाई ये मॉइस्चर क्या है, ये मॉइस्चर यानी कि गैस स्टेट में होगा, मॉइस्चर के फॉर्म में होगा, तो ये चीज़ बन जाएगी टू एफ ई प्लस फोर एच टू गैस और एफ ई थ्री और ये एच टू गैस बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हमने आज पढ़ा कि हम कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, बट क्वेश्चन आएगा हम क्यों करते हैं, तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वो ओवर करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वो फॉलो करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है कोई भी दिक्कत आती है तो मोस्ट वेलकम कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख दो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, अगर कोई भी अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूलें ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच और इन्जॉय योर डे, या बाय बाय।